नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के लाभ स्थान के स्वामी का कुंडली के अन्य भावों में फल। कुंडली का ये भाव एकादश भाव लाभ स्थान होता है। आज हम इस भाव पर चर्चा करेंगे कि यदि इस भाव के स्वामी कुंडली के अन्य भावों में बैठ जाएंगे तो वो आपको क्या संभावित फल प्रदान करेंगे। दोस्तों इस एकादश भाव के स्वामी यदि लग्न में बैठ जाते हैं तो जातक स्मार्ट सुंदर लाभ प्राप्त करने वाला आर्थिक लाभ काफ़ी मात्रा में प्राप्त करने वाला बहादुर जिसे कहते हैं कि काफ़ी निडर टाइप का ऐसा व्यक्ति होता है। जातक के अंदर ऐसी योग्यताएं होती हैं कि जातक समय समय पर लाभ कमाने के अपने अवसर तलाश लेता है। लेकिन यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव का स्वामी कुंडली के यदि एकादश भाव का स्वामी पाप ग्रह है और वो कुंडली के लग्न में बैठा है तो कई बार ऐसा ग्रह अल्पायु योग भी बना देता है। बात करते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के बैठ जाएंगे तो जातक कम भोजन करने वाला, ज्यादा बातचीत में व्यवहार कुशलता न रखने वाला ऐसा जातक होता है। जातक कहा जाता है कि यदि ऐसा ग्रह यहाँ का ग्रह यहाँ का स्वामी ग्रह यदि यहाँ पर पाप ग्रह होकर के बैठ जाता है तो यहाँ भी कई मामलों में अल्पायु योग बनता देखा गया है। जातक सुख अच्छी मात्रा में भोगता है लेकिन बीच बीच में उसे चिंताएं लगी रह सकती हैं। ऐसे जातक को पाप ग्रह यदि इस भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठ जाता है तो जातक को चिंताएं घेरे रहती हैं। लेकिन यदि यहाँ का स्वामी ग्रह शुभ ग्रह है और यहाँ बैठ जाएगा दूसरे भाव में तो जातक बेहद धनवान होता है, शानदार जीवन जीने वाला होता है, चारों तरफ से सुखी होता है। दोस्तों जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाते हैं तो जातक अपनी पत्नी के अलावा भी परिवार की कई स्त्रियों का ख्याल रखने वाला होता है, ध्यान रखने वाला होता है, उनका पालन पोषण करने वाला होता है, सबसे प्रेम भाव रखने वाला होता है। ऐसे जातक का अपने भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत अच्छा होता है, भाई बहनों से उसे लाभ भी होते हैं। यदि भाई बहनों का कोई व्यक्ति विरोधी हो तो ऐसा जातक उस व्यक्ति का को सबक सिखाने वाला होता है, पराक्रमी होता है। जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाते हैं तो जातक दीर्घजीवी लंबे समय तक जीने वाला अर्थात दीर्घायु योग बनता है। पिता के साथ मधुर संबंध रखने वाला, अपने धर्म का पालन करने वाला, समय के अनुसार चलने वाला, सभी कामों में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यहाँ एकादश भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में बैठेगा तो अपने घर से छठा बैठेगा। जातक को बीच बीच में धन संबंधी लाभ कमाने में रुकावटों का सामना कई बार जातक को करना पड़ता है। दोस्तों यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी कुंडली के पंचम स्थान में जाकर के बैठ जाते हैं तो जातक का पिता पुत्र का आपस में बहुत विशेष प्रेम होता है। दोनों के गुण लगभग समान होते हैं, पिता पुत्र के गुण भी समान होते हैं। लेकिन इस तरह के केसेस में यदि यहाँ का स्वामी ग्रह पाप ग्रह है और वो यहाँ जाकर आपके इष्ट के भाव में बैठ जाएगा तो बहुत से मामलों में अल्पायु योग बनाता देखा गया है। जातक को अपनी ख्याति से अपनी गुडविल से विशेष लाभ कमाने के मौके जीवन में कई बार मिलते हैं। दोस्तों एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक शत्रुओं से परेशान रहने वाला, लंबे समय तक बीमार रहने वाला, यदि ये पाप ग्रह है
तो जातक की मृत्यु कई बार परदेश में भी होती देखी गई है। जातक को विशेष चिंताओं का, खास तौर पर आर्थिक चिंताओं का विशेष सामना करना पड़ता है यदि एकादश के स्वामी छठे में बैठ जाए। दोस्तों, यदि एकादश भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम स्थान में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक सुशील, धनी, तेजस्वी, यशी, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न, दीर्घायु तथा एक पत्नी वाला, अर्थात एक पत्नी से मतलब कि सिर्फ उसका एक ही विवाह होता है और उस विवाह से उस जातक को अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हैं। पत्नी के माध्यम से जातक को कई प्रकार के लाभ भी, आर्थिक लाभ भी देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम स्थान में बैठ जाते हैं तो जातक रोगी होता है, उसके शरीर में बल की बहुत कमी होती है, सदैव किसी न किसी चीज को लेकर के दुखी रहना और विशेष करके धन की समस्या को लेकर के हमेशा दुखी रहना या अपने काम की समस्या को लेकर के दुखी रहना, ऐसे जातक का स्वभाव होता है। यदि यह ग्रह शुभ ग्रह है तो जातक संपन्न बना रहता है, स्वस्थ बना रहता है, लेकिन जीवन साधारण ही होता है, आय जातक की साधारण ही होती है। दोस्तों, एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के भाग्य भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो जातक कई विषयों का, कई कलाओं का, कई शास्त्रों का जानकार होता है, धर्म कर्म में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है, देवताओं और अपने गुरुजनों, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करने वाला, उनका सम्मान करने वाला होता है। यदि लाभेश पाप ग्रह होकर के भाग्य में बैठ जाता है तो जातक बंधु या मित्र विहीन होता है, अर्थात ऐसे जातक के भाई और मित्र या तो नहीं होते और होते हैं तो बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। दोस्तों, यदि एकादश भाव के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी कुंडली के दशम भाव में आकर के बैठ जाते हैं तो ऐसा जातक अपनी माता से विशेष स्नेह रखने वाला, लेकिन क्योंकि अपने भाव से बारहवां बैठने पर पिता से मतभेद कर देता है, ऐसा जातक धनी होता है, धनवान विशेष होता है, अपने कर्मों से धन प्राप्त करता है। ऐसा जातक जिसे कहते हैं किसी विशेष विषय का पंडित, अर्थात काफी ज्ञान रखने वाला, दीर्घायु होता है, अपने परिवार के सदस्यों का की जिम्मेदारी अपने दम पर निभाने वाला होता है। दोस्तों, एकादश भाव के स्वामी यदि कुंडली के एकादश भाव में हो तो जातक दीर्घायु होता है, कई पुत्रों वाला होता है, पुत्रों के बाद भी पौत्रों वाला होता है, अच्छे सत्कर्म करने वाला, समाज में अपना अपने कर्मों से नाम मान सम्मान कमाने वाला, परिवार की यश और कीर्ति को चार चांद लगा देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति स्मार्ट बहुत होता है, उसके बातचीत करने की शैली, उसको उसकी वाणी में वो तेज होता है कि वो अक्सर लोगों को अपनी बातों में से राजी कर लेता है। काफी इस भाव का स्वामी यदि इस भाव में बैठ जाता है तो जातक को सभी प्रकार के लाभ प्रदान करने की क्षमता रखता है, चाहे वो कोई भी ग्रह क्यों ना हो। दोस्तों, यदि एकादश भाव के स्वामी कुंडली के द्वादश भाव में जाकर के बैठ जाते हैं तो जातक जो उसको पैतृक संपत्ति प्राप्त है या जो भी सामान उसे प्राप्त हो चुका है वो केवल उन्हीं के भोग में, यानी उन्हीं के इस्तेमाल में, उन्हीं को, उन्हीं के साथ जीवन यापन करने की स्थिति में लगा रहता है। ऐसे जातक का चित्त स्थिर होता है, यानी बात बार बार उसका दिमाग इधर उधर भागता नहीं है, विशेष तौर पर अपनी बात पर टिका रहने वाला, लेकिन जातक उत्पाती होता है, यानी बात बात पर झगड़ा करने वाला, बात बात पर क्लेश करने वाला, ऐसा जातक रोगी भी हो सकता है। अस्पताल के खर्चों से, उसके अस्पताल के व्यय से वो बहुत ज्यादा परेशान भी रह सकता है, लेकिन ऐसा जातक खर्चों के बावजूद भी सुखी जीवन व्यतीत करने में सफल होता है।
तो दोस्तों ये थी कुल 12 भावों में लाभ स्थान के स्वामी की स्थिति। दोस्तों यदि लाभ स्थान के स्वामी पर, भले ही वो पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, यदि लाभ स्थान के स्वामी पर पाप प्रभाव और भी है, यानी किसी अन्य ग्रह का भी खराब प्रभाव पड़ रहा है, तो संभावित फलों में कुछ हद तक फेरबदल हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों कि यदि यह ग्रह कमजोर है, एकादश भाव का स्वामी कमजोर है, अस्त है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ युति में है जो आपको लाभ नहीं दे पा रहा है, तो दोस्तों इस भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई रत्न धारण आपको नहीं करना है। ये भाव का यदि आप रत्न धारण करते हैं तो स्वास्थ्य पर निश्चित तौर से प्रतिकूल असर देता है, चाहे वो शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो। इस भाव से संबंधित आपको यदि किसी ग्रह का उपाय करना है तो आप इस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप कीजिए, अपने इष्ट से संबंधित मंत्र जाप कीजिए, इस ग्रह से संबंधित मंत्र जाप करें, साथ में इस भाव से संबंधित आप जो भी अच्छे से अच्छा उपाय अपने आसपास, अपने उपलब्ध किसी अच्छे विशेषज्ञ या ज्योतिष विद्वान से जानकारी करके इस भाव से संबंधित उपाय करें। आपकी ज्यादा परेशानी है, आप अपने लग्न के अनुसार एकादश भाव के को ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन धारण करें, या अपनी जन्म कुंडली के अनुसार धन की स्थिति को मजबूत करने के लिए रुद्राक्ष कवच धारण करें, लेकिन रत्न धारण ना करें, क्योंकि रत्न, इस भाव का रत्न धारण करने से कुंडली में नकारात्मकता जेनरेट होती है, स्वास्थ्य पर इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंडली के द्वादश भाव के स्वामी अर्थात 12वें भाव के स्वामी अर्थात व्ययेश की कुंडली के अन्य भावों में क्या स्थिति होती है इस पर। दोस्तों यदि वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो या दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों को, ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोगों को शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।